How to fix OnePlus Nord N100 call hangout problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टिकी राज यूट्यूब चैनल पर. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने OnePlus के डिवाइस में कॉल हैंगआउट प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं. तो दोस्तों, अगर आपको कॉल हैंगआउट का प्रॉब्लम हो रहा है, आप कॉल पे बात करते हैं तभी दोस्तों आपका कॉल जो है वो कट हो जाते हैं, तो कैसे आपको यह प्रॉब्लम सॉल्व करना है यही मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ. ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें, जो भी सॉल्यूशन है उसको फॉलो करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें. और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा. किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो दोस्तों, ये जो कॉल हैंगआउट का इशू है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे मोबाइल को रिस्टार्ट करें, अपने सिम को इजेक्ट और इंसर्ट कीजिए. उसके बाद दोस्तों चेक करके देखिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो जाइए दोस्तों सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ पे आपको सिस्टम पर जाना है, रिसेट पर क्लिक करना है. रिसेट वाईफाई मोबाइल डेटा एंड ब्लूटूथ पर क्लिक करके नेटवर्क सेटिंग को रिसेट करना है. रिसेट सेटिंग पर क्लिक करके मोबाइल पासवर्ड भर देना है और उसके बाद सेटिंग रिसेट हो जाएगा नेटवर्क का. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऊपर में जाना है, वाईफाई नेटवर्क को ओपन करना है, सिम एंड नेटवर्क पर जाना है. ठीक है, अपना नेटवर्क टाइप जो है उसको स्विच करके देखिए. नेटवर्क कनेक्शन स्विच करने के बाद दोस्तों आप अपने सिम पर जाइए, वॉल्ट इनेबल कीजिए, आपका वाईफाई कॉलिंग को डिसेबल कीजिए, एक्सेस पॉइंट को रिसेट कीजिए और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो नेटवर्क को यहाँ पे स्विच कीजिए. ठीक है, ऑटोमेटिकली या फिर मैन्युअली नेटवर्क आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं. तो ये सारे सॉल्यूशन आप फॉलो कीजिए नेटवर्क के रिलेटेड में, और उसके बाद जब आपका यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सारे साल आपका कॉल हैंगआउट इशू भी फिक्स हो जाएगा. बाय एनी चांस ये सॉल्यूशन करने के बाद भी अगर आपको यही प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों ये एक सेटिंग चेक कीजिएगा, पावर बटन टू एंड कॉल. ठीक है, तो ये सेटिंग दोस्तों कहाँ पे मिलेगा, आइए एक बार चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं पावर बटन एंड कॉल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर बटन एंड कॉल सिस्टम एक्सेसिबिलिटी के अंदर पे है, तो वहाँ पे जाइए और ये रहा दोस्तों सेटिंग. तो ये सेटिंग आपका ऑफ होना चाहिए, क्योंकि गलती से जब आप पावर बटन को प्रेस कर देते तो बार बार आपका कॉल हैंगआउट होते रहेगा, और ये चीज़ मेरे साथ भी कई बार हो चुका है ऑलरेडी. ठीक है, तो आप ये भी चेक करके देखें. नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद ऐप एंड नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, सी ऑल ऐप्स पर जाना है और उसके बाद नीचे आना है, फ़ोन सर्विस सर्च करना है. तो यहाँ पे फ़ोन सर्विस पर जाइए और उसके बाद आपको स्टोरेज एंड कैश पर क्लिक करना है, क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करना है, ओके कर देना है और उसके बाद आपको बैक करना है, परमिशन पर जाना है, सारे परमिशन अलाउ कर देना है और उसके बाद बैक करना है, मोबाइल को रिस्टार्ट करना है और चेक करके देखना है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा. तो इस तरीके से कॉलिंग आउट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. बाय एनी चांस अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम आते हैं तो जाइए सेटिंग, स्क्रॉल डाउन करें, उसके बाद जाइए दोस्तों अपने सिस्टम के अंदर पे और सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दीजिए. जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होगा आपका प्रॉब्लम उसी के साथ भी फिक्स हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल के कॉल हैंगआउट प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं. और दोस्तों यहाँ पे आपका जो फ़ोन सर्विस है उसको भी अपडेट ज़रूर कीजिएगा. ठीक है, उसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है फ़ोन सर्विस और ये मिल जाएगा, तो जाके इसको अपडेट कर लेना और उसी के साथ आपका फ़ोन सर्विस भी काम करेगा, कॉल हैंगआउट इशू भी फिक्स्ड हो जाएगा. तो बस दोस्तों, यह था सॉल्यूशंस कॉल हैंगआउट प्रॉब्लम का. उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा. आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग.